नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर जनपद अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र से है। यहाँ के ग्राम सिरसा में दर्जनों परिवारों पर आफत आ पड़ी है। लोग अपने ही हाथों से अपना आशियाना ध्वस्त कर खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं। गांव में खड़ा महाबली और प्रशासनिक अमला ग्रामीणों का दिल दहला रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर यह पूरी कार्यवाही की जा रही है। बताते चलें कि अतरौली क्षेत्र के ग्राम सिरसा में पिछली 23 तारीख को 17 नोटिस मकान मालिकों के लिए जारी कर दिए गए। गांव के कुल 47 मकानों को ध्वस्त करने के लिए एसडीएम अतरौली पंकज कुमार, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र शर्मा एवं कानूनगो देवकांत यादव लेखपाल पूरी टीम पुलिस फोर्स को लेकर गांव में पहुंच गए। पूरे प्रशासनिक अमले को देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने ही हाथों से मकान तोड़ने शुरू कर दिए। आइए बात करते हैं इन ग्रामवासियों से। बाद में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र शर्मा। अतरौली से रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। नाम है अनु चौधरी। पिताजी का? पिताजी को बनवारी सिंह। ये मकान जो आपका बना हुआ था यहाँ पे चारागढ़ी भूमि, कब से बना हुआ था? लगभग हो गई 70 साल। किस तरह की प्रशासन ने कार्रवाई की है आपके खिलाफ? प्रशासन ने ना साहब, कार्रवाई तो गांव के लोगों ने करी है, दूसरी पार्टी ने। और क्या कहते हैं, एसडीएम साहब कई बार घूम गए यहाँ और मकान की कल गए, अपने आप तोल अपनी जेसीबी तोल जाएगी। अब आपका मकान आपने तोड़ा है या जेसीबी द्वारा? हमने अपने हाथों से तोड़ा और जेसीबी गांव में आ गई है। अब कहाँ आपका गुजर बसर? कहाँ गुजर बसर साहब, हम पे तो खेत ना आती बिल्कुल, और अपनों के दूसरे के खेत में रह रहे हैं। बच्चों सहित? बच्चों सहित। सोना कहाँ हुआ भैया? साहब खेत में रहा है। खाना और सोना बोला सारा साहब, अब मौके पर देख रहे हो आप लोग महिलाओं बच्चों को लेके? सब बिल्कुल, ये पड़े तो यही 10-12 पशु हैं साहब हम पे। इस तरह कितने मकान होंगे इस गांव में जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? लगभग समझ लो का मेरी नजर में तो एक आधी मकान छूटा नहीं गांव में, सवरी फूटने चाहिए। अब कितने के मकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल होंगे लगभग 45। सिरसा में जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा अवैध मकान निर्माण तोड़वाने की, किस तरह की कार्रवाई है? कितने लोगों के मकान टूट रहे? इसमें माननीय हाईकोर्ट ने एक गांव के ही आदमी ने रिट दायर करी। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो चारागाह कब्रिस्तान और खलियान शमशान की जो जमीन है इस पर 45 मकान भी बने हुए हैं जिन्हें लोग अपने आप छत वगैरह उतार रहे हैं और फोर्स के आने का इंतजार किया जा रहा। फोर्स के आते ही फिर जो जैसी मशीन है ये सब गिरवाए जाएंगे। इसमें सर नोटिस वगैरह भी दिए गए हैं? नोटिस 17 नोटिस दिए गए हैं, 45 कुल मकान चिन्हित किए गए हैं जी। अब इसमें 45 की संख्या यो है कि जो है एक परिवार में 4 और 5 भी है तो उनके भी गिनती करी गई है जी। सर कब से ये कब से बने हुए हैं मकान, कितने पुराने होंगे सर? जो गांव वालों ने बताया ये 50-60 साल पुराने मकान हैं। तो इससे पहले आज तक प्रशासन ने देखा नहीं सर? क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा? क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जो है इस पे 67 की कार्रवाई करी गई जो 12 साल पहले हुई थी जी। और उसमें ये लोग बेदखल करेंगे और इन्हें जो है जुर्माना भी करा गया। इसके बाद में जो है इन्हें बेदखली के लिए कई दफे कहा गया और अभी तक ये पूर्ण रूप से बेदखल नहीं हुए। जो कृषि की भूमि है वो समय समय पे जो है बेदखल कर दी गई है, कब्जा मुक्त करी गई है और अब भी लोगों ने उस पर दोबारा से फसल वगैरह बोई है जो हमने कल ही सब जुतवाई है। लगभग कितने बीघा होगी सर? लगभग 100-125 के करीब है।